ये बाप आया है दुनिया पर, हम खून भी है तलवार भी है, या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। सोचा है कतील कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से दिए तो जी लेंगे या जाने शहादत पी लेंगे। आज जामा मस्जिद गेट नंबर 1 पर यहाँ तमाम एहतजाजी मुजाहरे में तमाम मुजाहरीन और हमारी माए बहने, आप लोग यहाँ आकर इस एहतजाजी मुजाहरे को जो रौनक बख्शी है, जो मजबूती फराहम की है, हम तमाम लोग आपके काबिल मुबारकबाद आप लोग हैं, हम तमाम लोग आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये CAA जो काला कानून मोदी और अमित शाह और हमारी हुकूमत और हुक्मरानों ने जो ये कानून का निफाज किया है, ये हम तमाम लोगों के खिलाफ है। ये हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने वाला कानून है। आज शाहीन बाग में कितने दिनों से और पूरे मुल्क में तमाम जगहों पर बहुत से मुजाहरे CAA को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इन हुक्मरानों के कानों पर चू तक नहीं रेंग रही है। इन्हें यह सोचना होगा कि आखिर आवाम किस चीज की मुखालफत कर रही है, आखिर आवाम CAA की क्यों मुखालफत कर रही है। इन्हें अपना ये काला कानून वापस लेना होगा। और हम इस चीज के लिए पुरअज़्म हैं कि हम इस एहतजाजी मुजाहरे को जितनी कुव्वत बख्श सकते हैं हम इसके लिए आगे लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह इस लड़ाई को बहुत ही मजबूत करेंगे, इस लड़ाई को बहुत ही ज्यादा मजबूती फराहम करेंगे। और ये जो हुक्मरानों के आप देखे होंगे, ये हुक्मरान घूम घूम कर कह रहे हैं कि ये CAA जो है ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। अरे शाह जी, मोदी जी, इसके पीछे आपकी क्या साजिश है ये आवाम समझ चुकी है। तब आवाम मुखालफत कर रही है, तब आवाम आपकी पुरजोर मुखालफत कर रही है। आवाम को बेवकूफ आप ना समझे, आवाम खूब समझ रहे हैं कि आपकी इसके पीछे साजिश क्या है। आप NRC का बैकग्राउंड बना रहे हो, आप मुसलमानों के लिए क्या क्या बुरा चाहते हो। और इन हुक्मरानों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुसलमानों को जरा सी बातों पर देशद्रोही बता देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं। अरे ये लोग हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे, अरे देखना होगा, देखिए हमारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट। हम उसको हमसे है जिसने अशफाकुल्ला खान दिए, हम उसको हमसे है जिसने शहीद टीपू सुल्तान दिए। हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, हमारे उलमाए इकराम है जिन्होंने लाखों लाखों जानों का नजराना पेश कर इस देश को आजादी दिलाई। आखिर हमें ये जिला मिल रहा है, हमें ये सुनने को मिल रहा है। मैं इन हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लीजिए, मुसलमान हमेशा से देशभक्त था, देशभक्त है और इंशाअल्लाह देशभक्त रहेगा। और हाँ, आवाम ये मानती है कि देश द्रोही देश विरोधी तो आप लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के दौरान पैदा हुई मोहब्बत को आप तोड़ना चाहते हैं, उसको नफरत में तब्दील करना चाहते हैं। हम तो इस शेर पे अमल पा रहे हैं, हम तो इस शेर को मान के चलते हैं, ये मुल्क हमारा है और जान से प्यारा है। ऐ मुल्क तेरी खातिर मरना भी गवारा है, सुख चैन को हम अपने 100 बार फिदा कर दे, हक इसका अदा कर दे जो फर्ज हमारा है। हम तो इस शेर पे अमल करते हैं, हमारी देशभक्ति इस शेर से उजागर होती है। आप हमारी देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगेंगे, हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये शेर है, हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमारे उलमा